हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन आरटीएम। आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चंस का एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पिछली बार की तरह आप लोगों के हर एक एग्जाम जो टेक्निकल बेस्ड होते हैं, यानी आरआरटी टेक्नीशियन भी, रेल, सेल, भेल, इन सब एग्जाम्स में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन, मैक्सिमम कीज आर मेड अप ऑफ ए एच एस एस, बी माइल स्टील, सी कास्ट आयरन और डी पिग आयरन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी माइल स्टील। क्वेश्चन नंबर टू, हार्ड एब्रेसिव इज लैपिंग इज ए डायमंड, बी बोरोन कार्बाइड, सी सिलिकॉन कार्बाइड या डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी डायमंड। नंबर थ्री, अ की इज स्पेसिफाइड एज फॉलोस, पैरेलल की ए 70, 36, 250, IS 2048। इन दिस द नंबर 36 स्टैंड्स फॉर ए हाइट, बी विथ, सी लेंथ और डी नन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी हाइट। इसका एक फॉर्मूला है जो इस स्पेसिफिकेशन को बताता है। इसमें सबसे पहले आता है टाइप, जो है पैरेलल की ए। उसके बाद आता है विथ, जो है 70। उसके बाद आता है हाइट, जो है 36। उसके बाद लेंथ, यानी 250। और सबसे आखिर में इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, जो कि यहां पे है IS 2048। क्वेश्चन नंबर फोर, द सरफेस फिनिश ऑफ ए सरफेस इज मेजर्ड इन ए फुट, बी मीटर, सी माइक्रोन और डी सेंटीमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर फाइव, हनिंग एलोवेंस इज केप्ट ए 0.01 टू 0.02 एम एम, बी 0.05 टू 0.10 एम एम, सी 0.001 टू 0.002 एम एम या फिर डी नन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 0.1 टू 0.02 एम एम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन ए वर्नियर कैलिपर 39 मेन स्केल डिविजन्स आर डिवाइडेड इंटू 40 इक्वल पॉइंट्स ऑन द वर्नियर स्केल, देन व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट इन एम एम। ए 0.25 एम एम, बी 0.025 एम एम, सी 0.0025 एम एम और डी नन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 0.0025 एम एम। क्वेश्चन नंबर सेवन, कैलकुलेट द विथ ऑफ जीब हेड की फॉर 46 एम एम डाया शाफ्ट। ऑप्शन ए 11 एम एम, ऑप्शन बी 12 एम एम, ऑप्शन सी 12.5 एम एम और ऑप्शन डी 13.5 एम एम। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी 13.5 एम एम। इसका जो फॉर्मूला है, यानी विथ ऑफ जीप की निकालने का जो फॉर्मूला है, वो है W इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट 1/4 इंटू डी प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर एट, What should be the nominal pitch of a hacksaw blade for cutting soft material? A 1.8 mm, B 1.4 mm, C 0.8 mm or D none? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1.8 mm। क्वेश्चन नंबर नाइन, नेम द रिवेट हेड यूज्ड फॉर हेवी फैब्रिकेशन वर्क। ए फ्लैट हेड, बी पैन हेड, सी स्नैप हेड और डी मशरूम हेड। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी पैन हेड। क्वेश्चन नंबर टेन, हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ स्लिप गेजेस आर रिकमेंडेड बाय BIS IS 2984? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 3। क्वेश्चन नंबर 11, द अदर नेम ऑफ फिलर गेज इज ए गैप गेज, बी क्लियरेंस गेज, सी प्रोफाइल गेज और डी थिकनेस गेज। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी थिकनेस गेज। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्लैंक एंगल एंड फॉर्म ऑफ फाइन स्क्रू थ्रेड कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग ए प्लग गेज, बी थ्रेड माइक्रोमीटर, सी ऑप्टिकल प्रोजेक्टर और डी स्नैप गेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, अ गियर व्हील हैज 36 टीथ एंड मॉड्यूल 3, इट्स पिच डायमीटर इज ए 12 mm, बी 75 mm, सी 80 mm और डी 108 mm। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी 108 mm।
इसका एक फॉर्मूला है जो है m इक्वल टू यानी मॉड्यूल ऑफ द गियर इक्वल टू d यानी पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय t यानी टीथ। यहाँ पे हमें पिच डायमीटर यानी d निकालने के लिए बोला गया है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा m इंटू टी यानी मॉड्यूल ऑफ द गियर इंटू टी यानी टीथ। क्वेश्चन नंबर 14, नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल व्हिच फिट इनटू द हैंडल इज ए हील, बी टैंग, सी एज या डी फेरल। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी टैंग। क्वेश्चन नंबर 15, द रिटर्न बेंड फिटिंग चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द पाइप बाय ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री और डी 360 डिग्री। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, मेटल एबिलिटी टू विथस्टैंड स्क्रैचिंग वेयर एब्रेशन एंड पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए मेलियबिलिटी, बी टफनेस, सी हार्डनेस और डी डक्टिलिटी। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज यूज्ड फॉर द पिकिंग ऑफ स्टील, ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी स्पिरिट, सी CTC और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18, ऑलरेडी फॉर्म्ड हेड ऑफ रिवेट इज सपोर्टेड बाय ए रिवेट सेट, बी डॉली, सी स्नैप और डी ड्रिफ्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी रिवेट सेट। क्वेश्चन नंबर 19, MAG स्टैंड्स फॉर ए मेटल एक्टिव गैस, बी मेटल इनरेट गैस, सी मेटल आर्क गैस और डी नन। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी मेटल इनरेट गैस। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स इज नोन एज ए होमोजेनस वेल्डिंग, बी हेट्रोजेनस वेल्डिंग, सी फ्यूजन वेल्डिंग और डी स्पॉट वेल्डिंग। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी स्पॉट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 21, इन द लेटर ड्रिल सीरीज द लार्जेस्ट ड्रिल साइज इज इक्वल टू ए 10.32 mm, बी 12.01 mm, सी 10.490 mm और डी 15.00 mm। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी 10.490 mm। क्वेश्चन नंबर 22, What is the standard helix angle of general purpose drill? A 12 degree, B 55 degree, C 118 degree or D 27.5 degree? इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी 27.5 डिग्री। और ड्रिल बिट का जो जनरल एंगल होता है वो है 118 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइज A vernier height gauge is stated by the height of the beam is A 275 mm, B 300 mm, C 325 mm or D 350 mm। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी 300 mm। क्वेश्चन नंबर 24, कोर हार्डनेस ऑफ डुअल पिन इज A 40-44 HRC, B 50-54 HRC, C 60-64 HRC और D 70-74 HRC। इसका आंसर है ऑप्शन बी 50-54 HRC। क्वेश्चन नंबर 25, द स्वेज इज ए टूल यूज्ड इन फोर्ज शॉप व्हिच इज मेड ऑफ ए HCS, बी मेलियबल कास्ट आयरन, सी मीडियम कार्बन स्टील और डी लो कार्बन स्टील। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी मेलियबल कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 26, लेंथ ऑफ फाइल इज मेजर्ड फ्रॉम टिप टू ए एज, बी हील, सी फेस या डी टैंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी हील। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द कटिंग टूल फिक्स्ड इन द एनविल स्क्वायर होल, ए हॉट सेट, बी हार्ड डाई, सी कोल्ड सेट या डी एनविल। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी हार्ड डाई। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टोरेज स्पेस ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड ए स्ट्रेनर, बी प्लग, सी रिजर्वर और डी पंप। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी रिजर्वर।
क्वेश्चन नंबर 29, द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आर नोन एज ए थिक लुब्रिकेटेड बियरिंग्स, बी प्लास्टिक बियरिंग्स, सी थिन लुब्रिकेटेड बियरिंग्स और डी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 30, विस्कोसिटी इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, इट इज ए मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू ए करेंट, बी लाइट, सी साउंड और डी फ्लो। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 31, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक्यू कटिंग, बी ऑर्थोगोनल कटिंग, सी सिंपल कटिंग और डी यूनिफॉर्म कटिंग। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी ऑब्लिक्यू कटिंग। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच टाइप ऑफ रिवेट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ए पॉप रिवेट, बी एक्सप्लोसिव रिवेट, सी पैन रिवेट और डी बाइफ्रिकेटेड रिवेट। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी पॉप रिवेट। क्वेश्चन नंबर 33, द कलर ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर, ए रेड, बी ब्लैक, सी मरून और डी येलो। मतलब जो एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर यूज होता है उसका कलर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी मरून। और एसिटिलीन गैस सिलेंडर के साथ जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर यूज होता है उसका कलर होता है ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 34, ऑन व्हाट बेसिस इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिटरमाइंड, ए लेंथ, बी सर्कुलरिटी, सी विथ और डी डायमीटर ऑफ कोर वायर। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी डायमीटर ऑफ कोर वायर। क्वेश्चन नंबर 35, द कटिंग टूल यूज्ड टू फिनिश अ होल एंड टू स्लाइटली एनलार्ज इट इज नोन एज ए ड्रिल, बी टैप, सी डाई और डी रीमार। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी रीमार। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच टूल इज यूजफुल इन स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन, ए लेथ टूल, बी फ्लाई कटर, सी रिमार और डी काउंटर शिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी फ्लैट कटर फ्लाई कटर। क्वेश्चन नंबर 37, द नंबर ऑफ कटिंग एजेस इन द ग्राइंडिंग व्हील इज ए 1, बी 2, सी 0 और डी इंफिनिटी। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 38, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज डिपिक्टेड ए बाय एच ग्रेड, बी बाय ए ग्रेड, सी बाय जेड ग्रेड और डी बाय पी ग्रेड। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी बाय जेड ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 39, टेलीस्कोपिक गेजेस कैन मेजर अप टू ए 10 to 150 mm, बी 12 to 152 mm, सी 12.7 to 152.4 mm और डी 10 to 75 mm। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी 10 to 150 mm। टू कट एक्मे थ्रेड डैश इज यूज्ड, ए सेंटर गेज, बी प्लग गेज, सी रिंग गेज और डी स्क्रू गेज। इसका आंसर है ऑप्शन ए सेंटर गेज। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच टाइप ऑफ नीडल फाइल इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द शार्प एजेस, ए मिल्सा फाइल, बी बैरेट फाइल, सी रोटरी फाइल और डी क्रॉसिंग फाइल। इसका आंसर है बी यानी बैरेट फाइल। क्वेश्चन नंबर 42, इन डैश चीजल कटिंग एंगल इज 50 डिग्री एंड फोर्जिंग एंगल इज 25 डिग्री, ए फ्लैट, बी क्रॉस कट, सी काउ माउथ और डी डायमंड कट। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी क्रॉस कट। क्वेश्चन नंबर 43, द बेंच वाइज स्पिंडल इज मेड ऑफ ए माइल्ड स्टील, बी कास्ट आयरन, सी टूल स्टील और डी फॉस्फोरस बोन्ज। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी माइल्ड स्टील। इसके अलावा बेंच वाइज में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका है जॉ यानी जॉ प्लेट्स जो बनते हैं टूल स्टील से, बेंच वाइज की जो बॉडी है वो बनती है कास्ट आयरन से और जो बॉक्स नट है वो बनता है फॉस्फोरस ब्रोंज से। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग पिग आयरन बाय रिडक्शन मेथड फ्रॉम आयरन ओर इज नोन एज ए स्मेल्टिंग, बी एनीलिंग, सी कूलिंग और डी मिलिंग। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्मेल्टिंग। For HSS hardening, the soft metal is first overheated and then cool in A. oil, B. air, C. water or D. in ashes of dung cakes. इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी air. Question number 46. An operation in which force is applied perpendicular to the axis
of length so that metal gets elongated by reducing the cross sectional area is called A. jumping, B. upsetting, C. drawing out or D. bending. इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी ड्रॉइंग आउट. क्वेश्चन नंबर 47. व्हिच हैमर इज यूज्ड फॉर शीट मेटल वर्क. ए बॉल पिन हैमर, बी स्लेज हैमर, सी क्रॉस पिन हैमर और डी सॉफ्ट हैमर. इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी सॉफ्ट हैमर. क्वेश्चन नंबर 48. नेम द रिवेट फॉर अवॉइडिंग द प्रोजेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द रिवेटेड जॉइंट्स. ऑप्शन ए पैन हेड रिवेट, ऑप्शन बी काउंटर शंक हेड रिवेट, ऑप्शन सी स्नैप हेड रिवेट और डी नन. इसका आंसर है ऑप्शन बी काउंटर शंक हेड रिवेट. क्वेश्चन नंबर 49. द प्रोसेस ऑफ बिवेलिंग एट द एंड ऑफ ए होल इज कॉल्ड ए काउंटर बोरिंग, बी स्पॉट फेसिंग, सी काउंटर शिंकिंग और डी रीमिंग. इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी काउंटर शिंकिंग. और लास्ट क्वेश्चन. इन ए वी बेल्ट द एंगल बिटवीन द साइड इज ए 10 डिग्री, बी 20 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 40 डिग्री. इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी 40 डिग्री. तो हमारे 50 क्वेश्चंस का मॉडल टेस्ट पेपर यहीं पे खत्म होता है. वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें.